इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कौन सा डिजाइन सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, क्योंकि कुछ टाइम बाद हर टेक्निकल नॉलेज पुरानी हो जाती है। बट एक चीज है जो हमेशा काम आती है और वो है आपकी फाउंडेशंस। इस 15 एपिसोड की सीरीज में मैं आपके साथ वो हर एक इम्पॉर्टेंट चीज शेयर करूंगा जो मैंने एज अ सेल्फ टॉट यूएक्स डिजाइनर सीखी है। मैं हूं अंश मेहरा, एक यूएक्स डिजाइनर और स्टोरी टेलर फ्रॉम zuddle.com, जो कि एक वर्चुअल इवेंट्स होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। इस सेशन में मैं आपको वो सारी कॉमन गलतियां बताऊंगा जो मैंने और शायद काफी ज्यादा नए यूएक्स डिजाइनर्स ने इग्नोर करी है। आई होप आपने अभी तक मेरे चैनल के सारे एपिसोड्स देखे हैं, तो फिर वेट किस बात का, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। Alright, welcome to lecture 14 of Foundations for UX Design. मैं हूँ आपका होस्ट अंश मेहरा और आज हम सीखेंगे कि एक बेहतर स्टोरी टेलर कैसे बनते हैं। अब आप बोलोगे कि स्टोरी टेलर का UX डिजाइन से क्या रिलेशन है। सच बताऊँ तो मैंने ये स्किल बचपन में सीखनी शुरू करी थी, अभी भी सीख रहा हूँ, और सिर्फ ये जो एक आर्ट है ना ऑफ टेलिंग स्टोरीज, ऑफ यू नो कहानियाँ कैसे सुनाते हैं, किसी को कोई सिचुएशन कैसे बताते हैं या किसी को कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे बताते हैं, सिर्फ कहानियाँ सुनाना ही एक ऐसी स्किल है जिससे मैंने बहुत सीखा है। और सिर्फ एज अ UX डिज़ाइनर नहीं, मैंने एज अ कंज्यूमर बहुत कुछ सीखा है, एज अ प्रोड्यूसर बहुत कुछ सीखा है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो तो इस टॉपिक पे होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम यही सीखेंगे कि स्टोरी टेलिंग का फ़ायदा क्या है, लोगों को कहानियाँ सुनने में मज़ा क्यों आता है, एंड एज अ UX डिज़ाइनर आप स्टोरी टेलिंग को कैसे यूज करके अपने करियर में ज्यादा तेजी से ग्रो कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि लोगों को कहानियां सुनना पसंद क्यों है। आप, मैं, जितने भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, इनफैक्ट जितने भी लोगों से आज तक आप अपनी ज़िंदगी में मिले हैं, सब अपनी खुद की कहानी लिख रहे हैं, सब अपने ब्रेन में रहते हैं, सब ने दुनिया को एक स्पेसिफिक तरीके से देखना सीख लिया है, और कहीं ना कहीं वो दूसरों से भी कहानियाँ सुनते हैं, खुद की भी कहानियाँ बनाते हैं, और जो उनका डेली लाइफ का एक्सपीरियंस है वो भी एक कहानी की तरह ही है। आप सुबह उठते हैं और अपनी कहानी लिखनी शुरू कर देते हैं। बट स्ट्रेस की बात तो ये है कि ना आपको पता है और ना मुझे पता है कि हम सब की कहानी कैसे अंत होगी। ऑफकोर्स हमारी कुछ आशाएँ हैं, कुछ होप्स हैं, कुछ एस्पिरेशंस हैं कि इस तरीके से हमारी कहानी का एंड हो, बट कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी ऑफ ट्रैक हो जाती है, सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता, तो हमेशा एक एंजाइटी रहती है कि शायद हमारी कहानी का अंत वैसा ना हो जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट जब आप पे कोई और अपनी कहानी लेके आता है तो आपको ये पक्का पता होता है कि ये कुछ 2-3 मिनट की कहानी होगी और हमें इस कहानी का अंत अभी के अभी पता चल जाएगा। तो वो जो सेटिस्फैक्शन है ना एक कहानी का एंड सुनने की, ये कहानी शुरू हुई, प्रॉब्लम आई, उसमें ट्विस्ट आए, उसमें टर्न्स आए, बट फाइनली वो कहानी का एंड हो गया, वो सेटिस्फैक्शन सबको बहुत अच्छी लगती है। अगर आप किसी को डायरेक्टली जाके ज्ञान दे दोगे तो शायद वो उस ज्ञान को इतना इजीली एक्सेप्ट ना करे, बट अगर आप उस सेम ज्ञान को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के थ्रू सिखाओ तो ज़्यादा चांसेस है कि लोग आपको सुन लेंगे। इसीलिए तो जो चिल्ड्रन टेक्स्ट बुक्स होती है या जो चिल्ड्रन की जो मॉरल स्टोरीज वाली जो बुक्स होती है उसमें हमेशा एक फिक्शनल कहानी होती है, क्योंकि आप चाहो तो किसी बच्चे को 10 आइटम्स की लिस्ट दे दो और बोलो कि ये सब गलतियाँ ना करना, ये लाइफ के लेसन्स है, वो बच्चा वो पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि इट्स जस्ट बोरिंग फॉर दैट किड, राइट। बट जब आप उस बच्चे को एक स्टोरी के थ्रू कुछ समझाते हो तो वो स्टोरी उसके ब्रेन में बैठ जाती है, जब वो ब्रेन में बैठ जाती है तो उससे सीखना बहुत आसान हो जाता है। आपने भी ये नोटिस करा होगा कि अगर मैं आपको कोई बहुत ही अल्टीमेट बुक दे दूँ, उसमें ज़िंदगी का सारा ज्ञान भी दे दूँ, तो भी आपको वो ज्ञान सही पॉइंट पर नहीं याद आएगा। बट अगर आपने अपने लाइफ की एक्सपीरियंस से कुछ सीखा हो या आपने अगर किसी कुछ मूवी से सीख लिया हो या कहानी से सीख लिया हो तो वो आपके साथ बैठ जाता है, वो चीज़ को भुलाना थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो स्टोरी टेलिंग एज एन आर्ट फॉर्म बहुत ही पावरफुल स्किल है। इनफैक्ट आप ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो सेम मूवीज को बार बार देखते हैं, सेम टीवी शोज को बार बार देखते हैं, सिंपली बिकॉज दे फील कंफर्टेबल। उनको पता है कि इस टीवी शो के एंड में क्या होने वाला है, उनको पता है कि मूवी के नेक्स्ट सीन में क्या होने वाला है, और वो जो प्रिडिक्शन है, दी एबिलिटी टू प्रिडिक्ट, दी एबिलिटी टू नो कि अगली चीज क्या होने वाली है, वो बहुत ही कंफर्टेबल फीलिंग है। क्योंकि मैक्सिमम लोग अनसर्टेनिटी से डरते हैं, जब आपको पता नहीं होता कि अगली चीज क्या होने वाली है आपको स्ट्रेस हो जाता है। इसलिए बहुत से ऐसे लोग जो कभी नई मूवीज नए टीवी शोज देखते ही नहीं, वो सेम चीज बार बार देखते हैं, सिंपली बिकॉज दे फाइंड इट वेरी कंफर्टेबल टू ऑलरेडी नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट।
बट मैं ये बात इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप धीरे धीरे स्टोरी टेलिंग को समझना शुरू कर लो, धीरे धीरे बाकियों की स्टोरीज को सुनना शुरू कर लो और खुद की स्टोरी टेलिंग को इम्प्रूव कर लो, तो एज अ प्रोफेशनल आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एज अ प्रोडक्टिव पर्सन, एज अ यूएक्स डिजाइनर, आपकी जो एबिलिटी है टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल, टू ग्रैब देयर अटेंशन विल इम्प्रूव। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर समझने के लिए ये है कि अगर आप बहुत ऑटोबायोग्राफीज पढ़ना शुरू कर दो, अगर आप नेचर को, कुदरत को देखना शुरू कर दो, अपने आसपास की चीजों को देखना शुरू कर दो, तो आपको रियलाइज होगा कि नेचर अलग अलग जगहों पे सेम पैटर्न्स को रिपीट कर रही है। अगर आप स्पोर्ट्स के किसी बहुत बड़े सेलिब्रिटी को और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी को आमने सामने रख दो के, तो एक डेढ़ घंटे बाद आपको रियलाइज होगा कि इन दोनों की पर्सनालिटीज में बहुत रिजेम्बलेंसेज आई है, दोनों चीज़ों को बहुत सिमिलर तरीके से देखते हैं। बिकॉज जब आप स्पोर्ट्स हो, एंटरटेनमेंट हो, म्यूजिक हो, आर्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, इनफैक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री भी हो, जब आप इन सब्जेक्ट्स को बहुत डीपली समझते हो तो आपको रियलाइज होता है कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल जो रिपीट हो रहा है। मैंने इन सब चीजों के बारे में अपनी पहली वीडियो के अंदर भी बात करी है, इट्स कॉल्ड व्हाट्स माय स्टोरी, जहां पे मैंने यही डिस्क्राइब करा था कि जब आप बहुत डीपली चीजों को देखना शुरू कर दो तो आपको रियलाइज होता है कि कुछ ऐसे पैटर्न्स है जो इधर उधर रिपीट हो रहे हैं। और जब आपकी ये पैटर्न रिकॉग्निशन स्ट्रांग हो जाती है एज अ यूएक्स डिजाइनर, एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, आपकी एबिलिटीज इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट फेंकता है आपको इंस्टेंटली पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम से सिमिलर है, तो वो जो दूसरी प्रॉब्लम्स है अगर हम उनके सॉल्यूशंस को स्टडी करें तो शायद इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना ज्यादा ईजी हो जाएगा। पर इस पूरी स्टडी का नेक्स्ट लेवल तब आता है जब आप किसी सिचुएशन को देख के ये प्रेडिक्ट कर पाओ कि अगली चीज क्या होने वाली है। तो लेट कर लो कि आपने बहुत सी चीजें स्टडी करी, पहले तो आपको ये समझ आ जाएगा कि अगर मैं किसी प्रोडक्ट को देख रहा हूँ, अगर मैं किसी की सक्सेस को देख रहा हूँ, तो आई कैन ट्रेस बैक, आई कैन फिगर आउट कि ये पर्सन यहाँ तक कैसे पहुँचा है, ये प्रोडक्ट यहाँ तक कैसे सक्सेसफुल हुआ है। ये है लेवल वन ऑफ एक्सपर्टीज। लेवल टू ऑफ एक्सपर्टीज तब आती है जब आपके ऊपर मैं कोई प्रॉब्लम फेंकूँ, आप पे कोई सिचुएशन फेंकूँ या आपको कोई प्रोडक्ट दे दूँ और आप ये प्रेडिक्ट कर पाओ कि अब नेक्स्ट चीज़ क्या होने वाली है, यानी कि इस चीज़ का फ्यूचर क्या है। वो एक अलग ही लेवल पे पैटर्न रिकॉग्निशन के ऊपर की लेयर आ जाती है कि अब आप पैटर्न्स प्रिडिक्ट कर पा रहे हो, यू कैन एक्चुअली सी कि अगली चीज़ क्या होने वाली है। और ये मैंने अपने मैनेजर से सीखा है, सीनियर डिजाइनर से सीखा है और भी बहुत सीनियर से मैं अभी भी सीख रहा हूँ, क्योंकि एक बार ही अगर आपको प्रिडिक्शन आ गई ना, देन इट इज़ एन अल्टीमेट सुपर पावर। बट स्टोरी टेलिंग सिर्फ यहाँ नहीं रुकती, स्टोरी टेलिंग इज द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ नैरेटिव, एक नैरेटिव, एक एक्सपीरियंस। आप एक चीज़ को इतना एक्सपीरियंशियल तरीके से समझा रहे हो, एक कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे तरीके से समझा रहे हो कि सामने वाला आप ही की दुनिया में गुम हो जाए। वो हो सकता है अपने स्ट्रेसेस में हो, अपनी टेंशन में हो, कहीं पर भी हो, बट जब वो आपको सुन रहा है, जब वो आपके नैरेटिव को कंज्यूम कर रहा है, तो वो सब कुछ भूल जाए, सारी चीज़ें गायब हो जाए, सिर्फ आपका नैरेटिव उसके ब्रेन के स्पॉटलाइट में आ जाए। ये है स्टोरी टेलिंग की असली पावर। आपने पिछले महीने जितनी भी चीज़ें खरीदी है, नोटिस करना कि उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हो कि जो अपने यूजुअल प्राइस से थोड़ी सी ज़्यादा महंगी होगी। हो सकता है कि आप किसी फैंसी रेस्टोरेंट में गए हो, सकता है आपने कोई महंगी टी शर्ट खरीदी हो सकता है आपने कोई बहुत एक्सपेंसिव गैजेट खरीदा हो। इन सारे परचेसेस में कहीं ना कहीं स्टोरी टेलिंग और नैरेटिव्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यही नैरेटिव्स है जो हमें सिखाते हैं कि ये चीज लो, ये चीज मत लो, ये खरीदो के तो अच्छा लगेगा, ये खरीदो के तो आप पॉपुलर बन जाओगे, ये खरीदो के तो यू विल फील बेटर। एंड ये नैरेटिव्स आपकी डेली लाइफ को बहुत हेवीली इन्फ्लुएंस करते हैं। नैरेटिव से ही चीजों की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आप किसी नॉर्मल प्रोडक्ट को वैसे बेचोगे तो हो सकता है आपको उसके रॉ मटेरियल्स और उसकी क्वालिटी की बेसिस पे प्राइसिंग मिल जाए, बट अगर आप कोई बहुत इंटरेस्टिंग नैरेटिव जोड़ दो, एक एक्सपीरियंस जोड़ दो, तो उस प्रीमियम की कोई लिमिट ही नहीं है। आप जितना प्रीमियम मांगो आपको कंपनीज देगी, क्योंकि आपने एक अच्छा नैरेटिव, एक बहुत वेल क्रिएटेड स्टोरी अटैच कर दी है, एक एक्सपीरियंस अटैच कर दिया है, और लोग उस एक्सपीरियंस के लिए सब कुछ पे करेंगे, बिकॉज सबको अच्छे एक्सपीरियंसेस चाहिए। दैट इज द एंटायर पॉइंट। एवरीवन वांट्स टू फील एक्साइटेड, एवरीवन वांट्स टू फील इंस्पायर्ड। एंड अगर आप लोगों को वो सेंसेशन दे सकते हो, अगर आप वो लोगों को एक्सपीरियंस दे सकते हो ऑफ फीलिंग हैप्पियर, दे विल पे व्हाटएवर प्राइस यू आस्क। एज अ यूएक्स डिजाइनर जब आपके साथ कोई काम करता है ना, तो वो भी आपके बारे में एक नैरेटिव अपने दिमाग में बना लेता है। जब आप अपने कॉलीग्स के साथ काम करते हो, अपने पीएम्स के साथ काम करते हो, डेवलपर्स के साथ काम करते हो, तो आपकी एक एक इंटरेक्शन उनके ब्रेन में एक नैरेटिव बना रही होती है, और वही सेम नैरेटिव आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। जैसे कि आपके साथ किसी ने काम करा, 10 दिन बाद आपके बारे में बात हुई, तो आपका जो एक्सपीरियंस था इस पर्सन के साथ, वो इन्फ्लुएंस करेगा कि आपका नैरेटिव कैसा है। एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव मैक्सिमम कंट्रोल
ऑन दैट नैरेटिव. ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको यूज करके आप अपने ब्रांड का नैरेटिव इंप्रूव कर सकते हो. ऐसे कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने अपनी वैल्यू इन्फ्लेट करी हुई है सिंपली बिकॉज ऑफ द नैरेटिव. लेट कर लो एक नोटबुक है, बहुत अच्छी नोटबुक है, पेपर क्वालिटी बहुत बढ़िया है एंड अभी एट डिफॉल्ट इट्स बीइंग सोल्ड फॉर 100 bucks. ये मैंने लेफ्ट साइड पे रखी. फिर मैंने एक और नोटबुक रखी आइडेंटिकल क्वालिटी, बट इस बारी मैंने उसको बहुत फैंसी से पैकेज में रखा है. उसको खरीदने के लिए वेट लिस्ट होती है. जब आप खरीदते हो तो आपको सेल्समैन बताता है कि ये पेपर किसी बहुत पुराने गांव के एक फिफ्थ जनरेशनल फैमिली के लास्ट आर्टिसन ने बनाया है जो रिसाइकल्ड पेपर कलेक्ट करते हैं, और ये नोटबुक सिर्फ उन लोगों के लिए जो अपने काम में बहुत सीरियस है, जिनको एक्सपेंसिव चीजें पसंद है. एंड सर, ये नोटबुक ही सिर्फ 100 है दुनिया में और 100 में से 60 बिक चुकी है, सिर्फ 40 पीसेस बाकी है. इनफैक्ट अभी हमारे पास ऑर्डर आया है 20 पीसेस का, तो मैं तो रेकमेंड करता हूँ आप अभी ले जाओ, कि अभी अगर आपने नहीं खरीदा तो फिर डायरेक्ट 6 महीने बाद ही आएगा, और 6 महीने बाद भी मैं आपको ये पीस दे पाऊंगा, आई कांट रियली कन्फर्म, राइट. सो ऐसी कहानियां बना देते हैं लोग, और जब आप ऐसी कहानी सुनते हो तो आपको मन करता है अभी खरीद लो. बट मजे की बात यह है कि अब यही सेम नोटबुक 100 रुपए की नहीं 1500 की बिक्री होगी, सिंपली बिकॉज ऑफ स्टोर, सिंपली बिकॉज ऑफ द सेल्स पर्सन, सिंपली बिकॉज ऑफ द एम्बियंस जो वो क्रिएट करते हैं, सिंपली बिकॉज ऑफ दैट स्टोरी दैट दे हैव अटैच्ड. अगर आपने नोटबुक खरीद ली, यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल. ये सब अपने आप को बोलने की बातें हैं. हो सकता है कि वहां पे कोई सही में बैठा हो सकता है वहां पे कोई रिसाइकल कर रहा हो, कुछ सच में हो रहा हो, बट आपने तो चेक नहीं किया ना. आपको तो किसी ने स्टोरी बताई, वो स्टोरी ही थी जिसने आपको वो सारे एक्सपीरियंसेस एक मिनट में दे दिए, वो स्टोरी ही थी जिसने आपको पुश किया है. तो वो नैरेटिव, वो जो वर्बल नैरेटिव है, वो जो 5 मिनट की कॉन्वर्जेशन है, वर्बल कॉन्वर्जेशन, उसका इतना बड़ा रोल है कि आप सोच भी नहीं सकते. जब मैं स्कूल डेज में था तो मुझे याद है जब भी मैथ्स के एग्जाम्स होते थे, जब मैथमेटिक्स की जो आंसर शीट चेक होती थी, उसमें जो मेरी टीचर थी वो हमेशा पहले आंसर देखती थी, अगर आंसर सही होता था तो ऊपर जाके स्टेप्स देखती थी, फिर मुझे स्टेप्स के हिसाब से मार्क्स मिलते थे और फिर आंसर के मार्क्स मिलते थे. एंड यही सेम प्रिंसिपल और बहुत सी जगहों में यूज होता है, स्पेशली इन योर यूएक्स डिजाइन केस स्टडीज एंड योर फीचर पिचेस. अब मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है. अगर आपने किसी को सिर्फ यूआई दिखा दिया, सिर्फ प्रोटोटाइप दिखा दिया, सिर्फ आंसर दे दिया, बट स्टेप्स नहीं दिए, ये नहीं समझाया कि मैं यहां तक कैसे पहुंचाऊं, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे. ऐसे मैथ के एग्जाम में अगर आप सिर्फ आंसर लिख दो, स्टेप्स ना दो, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे. अगर आप किसी को अपना प्रोसेस दिखाते हो, वायर फ्रेमिंग दिखाते हो, रिसर्च दिखाते हो, इंटरव्यूज दिखाते हो, सब कुछ दिखाते हो, अपने सारे स्टेप्स दिखाते हो, बट फाइनल प्रोटोटाइप नहीं दिखाते, फाइनल यूआई नहीं दिखाते, स्टेप्स तो दिखा दिए बट आंसर नहीं दिखाया, तो आपको कुछ 5-6 मार्क्स मिल जाएंगे 10 में से. बट अगर आपको 10 में से 10 चाहिए तो आपको स्टेप्स भी दिखाने होंगे, फिर अपना आंसर दिखाना होगा. बट मजे की बात यह कि सारे लोग, चाहे वो मेरी टीचर्स हो या आपके स्टेक होल्डर्स हो, वो सबसे पहले फाइनल आंसर देखते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि उन्होंने स्टेप्स पढ़ने भी है कि नहीं. क्योंकि अगर आंसर ही गलत हुआ, अगर आंसर ही इंप्रेसिव नहीं हुआ, वो स्टेप्स तक जाएंगे ही नहीं. ये रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है कि अगर आपका प्रोटोटाइप, आपका यूआई, अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही गलत है, दे विल नॉट इवन केयर कि आपने इसके अंदर कितनी मेहनत लगाई है. इनफैक्ट मैथ एग्जामिनेशंस और यूएक्स डिजाइन के बाहर सिमिलर पैटर्न्स फिल्म मेकिंग में भी देखने को मिलते हैं. मैं एज अ व्यूअर हमेशा ऐसी मूवीज में ज्यादा इंगेज रहता हूँ जहां पे वो मूवी के बिगिनिंग में ही बता देते हैं कि क्लाइमैक्स में क्या हो रहा है. लाइक दे शो अ स्निपेट, पूरा क्लाइमैक्स नहीं बताते, लाइक जस्ट बिफोर द क्लाइमैक्स दे शो यू अ सीन, सो दैट यू नो कि अच्छा ठीक है, क्लाइमैक्स तो बहुत इंटेंस है, नाउ आई कैन सिट थ्रू 2 hours to listen to this narrative. जब मैं कोई chronological movie देखता हूँ जिसमें सब कुछ in sequence हो रहा होता है, वहाँ पे मैं ज़्यादा जल्दी bore हो जाता हूँ. But जब कोई ऐसा TV show हो जाए या कोई ऐसी movie हो जहाँ पे they show the climax, वहाँ पर you feel very engaged, क्योंकि अब आप curious हो जाते हो कि यार हमें final result तो दिख गया है, ठीक है, अब हमें ये satisfaction मिल गई है कि कहानी का तो अंत अच्छा है ही, बट अब यहाँ तक पहुँचे कैसे है, अब मुझे वो समझना है कि इतने सिंपल स्टेप से, इतनी सिंपल बिगिनिंग से आप इतने कॉम्प्लिकेटेड क्लाइमैक्स तक पहुँचे कैसे. तो जब भी अपनी केस स्टडी डाल रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू शो द एब्सोल्यूट फैंसी प्रोटोटाइप और योर यूआई इन द फर्स्ट 2 or 3 स्लाइड्स इटसेल्फ, सो दैट यू टेल एवरीवन दैट हे, आई एम टेकिंग योर टाइम बट इट्स गोना बी वर्थ इट, आई एम नॉट गोना डिसअपॉइंट यू आफ्टर दिस एंटायर नैरेटिव. तो ऐसी 2-3 ऐसी हैबिट्स है जो मैं शेयर करना चाहता था, जिनको यूज करके आप द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद यू को इम्प्रूव कर सकते हो.
राइट, बिकॉज मैं बार बार यही कहता हूँ कि एज अ डिजाइनर, एज अ यूएक्स डिजाइनर, ऑफकोर्स यू गेट पेड फॉर वट एवर एक्सपीरियंस इज यू डिजाइन, बट यू ऑल्सो गेट पेड फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद यू. एंड मजे की बात यह कि अगर आपको हायर प्रीमियम्स चार्ज करने हैं तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि वॉट एल्स डू यू ब्रिंग टू द टेबल अपार्ट फ्रॉम डिजाइन. मान लिया कि आपको फिग्मा आता है, यूआई आता है, ये सब चीजें आती है, बट इसके अलावा आप टेबल पे क्या ला रहे हो? क्या आप फ्लुएंटली कम्युनिकेट कर सकते हो? क्या आप एडिटिंग कर सकते हो? क्या आप ग्राफिक डिजाइनिंग आता है? क्या आपका मोशन ग्राफिक्स अच्छा है? क्या आपको आफ्टर इफेक्ट्स आता है? या आपको रिसर्च आती है? लाइक ऐसा क्या है आपकी कोर जॉब के अलावा जो आप टेबल पे ला रहे हो? जब आप उन चीजों पे भी ध्यान देते हो तो आपकी अपॉर्चुनिटीज और बढ़ जाती है. द चांसेस ऑफ गेटिंग मोर जॉब्स, मोर इंटर्नशिप्स, मोर अपॉर्चुनिटीज, गेटिंग मोर मनी सिंपली बिकम्स लाइक एन easier task. Tip number one, और ये एक ऐसी टिप है जो मेरे बहुत दोस्तों ने मुझे बताई है कि बहुत से लोग ऑनलाइन बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऐसी मीटिंग्स में बैठे रहते हैं आधे आधे घंटे तक जहाँ पे उनका कोई रोल नहीं होता. वो बस सुन रहे होते हैं, ना वो कुछ बोलते हैं, ना वो कुछ इनपुट देते हैं. बस उन्होंने, उनके मैनेजर्स ने बोला कि तुम्हें बस इस मीटिंग में बैठना है. तो अगर आप मैनेजर हो, अगर आप सीनियर डिजाइनर हो, प्लीज ऐसे केसेस में जिन लोगों को मीटिंग में नहीं होना है, politely tell them that, hey, If you have other stuff to do, you can easily leave the call. ऐसे में क्या होता है, जितने भी सीनियर्स होते हैं उस कॉल में, वो एक बड़ा ही वेग ओपन स्टेटमेंट फेंक देते हैं. कहते हैं कि अगर इस मीटिंग से कोई जाना चाहता है तो दे कैन लीव द कॉल, इट्स एब्सोल्युटली ओके. ऐसे में कौन जाएगा? क्योंकि जो भी बंदा जाएगा, दैट पर्सन विल फील लाइक ही और शी इज बिट्रेइंग द इंटायर कॉल, राइट? सो ऐसे केसेस में मैं क्या करता हूँ, अगर मैं गूगल मीट मैंने इनिशिएट करा और मुझे लग रहा है कि ये गूगल मीट थोड़ा स्ट्रेच हो रहा है और यहाँ इस कॉल में 5-6 ऐसे लोग हैं जिनका एब्सोल्यूट कंपलसरी नहीं है होना, मैं उनको बाय नेम बोलता हूँ कि फॉर एग्जांपल तुषार, अगर आपको जाना है यू कैन इजीली लीव, और नताशा, इफ यू वांट टू लीव दिस कॉल यू आर फ्री टू गो. बिकॉज इस केस में क्या होता है, आप कंपनी का टाइम बचा रहे हो, आप बाकी लोगों का टाइम बचा रहे हो, ओवरऑल आप कंपनी की सैलरीज बचा रहे हो, राइट? क्योंकि अगर सब मीटिंग्स पे ही बैठे रहे तो सब काम कब करेंगे? आई नो इट साउंड्स वेरी क्रूड, बट बी वेरी अवेयर दैट इफ यू आर द वन इनिशिएटिंग द मीटिंग, कीप द मीटिंग्स वेरी शॉर्ट, वेरी कंसाइज. डोंट स्पेंड टू मच टाइम इन मीटिंग्स. प्लीज स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम वर्किंग. अगर आपको लगता है कि हमारे को मिनट्स देने, तो ऐसी बहुत सी एप्लीकेशंस आ गई है, दे आर लाइक नोट टेकर्स. वो आपके साथ गूगल मीट पे आते हैं, दे टेक नोट्स ऑफ योर मीटिंग एंड देन मिनट्स वो अपने आप ही डाल देते हैं, तो यू कैन शेयर द मिनट्स ऑल्सो. तो जो लोग मीटिंग में नहीं आते, दे कैन एक्सेस दोज मिनट्स ऑल्सो. आई थिंक इट्स कॉल्ड विंगमैन इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यू कैन गूगल ऑल दीज थिंग्स, राइट? बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सबका टाइम वेस्ट करो. दूसरी टिप ये कि आपको चैट करना आना चाहिए. ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम में मैक्सिमम कॉन्वर्जेशन स्लैक पे होती है, टेक्सटिंग पे होती है, व्हाट्सएप पे होती है, ईमेल्स पे होती है. अगर आपको लगता है कि आपको चैट करना नहीं आता है, प्लीज लर्न हाउ टू चैट इन प्रॉपर इंग्लिश. प्लीज इंप्रूव योर ग्रामर, प्लीज इंप्रूव योर स्पेलिंग्स. If you feel कि मेरे texting की tone बड़ी rude सी होती है, then just try using emojis. Emojis से कितना relaxing लगता है हर message. कोई smiling emoji डाल दिया, या clapping emoji डाल दिया, या वो जो high five वाला emoji है वो डाल दिया. क्योंकि जब offline offices होते थे, जब आप office में जाते थे, तो आपका face, आपकी body language, ये सब कुछ contribute करता था to your statement. But अब online में आप कैसे text करते हो, आप कैसे type करते हो अपने messages, वो बहुत ज़्यादा matter करता है. तो please YouTube से ये सब चीज़ें सीखना शुरू करो. अपनी grammar पे ध्यान दो, short forms हटा दो, जो तीन डॉट्स है वो बिल्कुल बैन कर दो अपने टेक्स्ट सिंटैक्स में से. आई डोंट नो व्हाई पीपल पुट दोस 3 डॉट्स, इट फील्स लाइक दे आर टॉकिंग इन स्लो मोशन. टिप नंबर 3, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने घर की खिड़की पे बैठ जाते हैं काम करते हुए, या अपने डॉग्स के साथ बैठ जाते हैं, या उनका जहाँ पूरा फैमिली बैठा होता है उसके बीच में जाके बैठ जाते हैं, और जब भी वो कॉल पे आते हैं पीछे इतना शोर होता है, इतनी ट्रैफिक की आवाज़ होती है, डॉग्स भौंक रहे होते हैं, इट इज़ जस्ट टू अनोइंग. इनफैक्ट ऐसी बहुत सी कॉल्स में मैं रहा हूँ जहाँ पे देर वर पीपल हु जस्ट फॉरगेट टू म्यूट देमसेल्व्स, यानी कि दे आर अनअवेयर. सो प्लीज़ बी अवेयर आपको कब म्यूट पे होना है, कब म्यूट पे नहीं होना है. कभी कभी क्या होता है कि दो लोग बात कर होते हैं गूगल मीट की कॉल पे, और तीसरा बंदा भूल जाता है कि उसको म्यूट करना अपने आप को, तो वो पता नहीं कुछ अजीब सा ऐसे ऐसे करके कुछ अजीब सी उसकी सांसों की आवाज आने लग जाती है बीच में. लाइक यू नो देयर आर सम पीपल हु यूज दैट हेडफोन्स वाला माइक, राइट? सो द माइक इज वेरी क्लोज टू देयर माउथ, तो जब वो बात भी नहीं कर रहे होते, वो बस गूगल मीट पे होते हैं, दे आर जस्ट लाइक हेवीली ब्रीदिंग, दे आर लाइक, राइट? सो बी वेरी अवेयर कि अगर आप किसी शोर वाले एनवायरनमेंट में हो, म्यूट योर सेल्फ. अगर आप गाड़ी में हो, म्यूट योर सेल्फ. अदरवाइज जस्ट से दैट आई कांट बी ऑन दिस कॉल. और अगर कॉल पे हो, प्लीज मेक श्योर कि आपका माइक आपके मुंह के इतना पास नहीं हो, राइट? यू हैव टू टेस्ट दीज थिंग्स रेगुलरली. अब हम आते हैं टिप नंबर 4, फीडबैक कैसे देना है.
राइट अब फीडबैक देना एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, और आज हम फीडबैक देना कैसे इस चीज़ में ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे कि काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, बट दो ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बहुत ईजिली आपको समझा सकता हूँ। और वो ये कि पहला, जब भी आपको फीडबैक देना होता है, ये समझो कि ऑपोजिट पर्सन अपनी टाइमलाइंस में कहाँ है। अगर आप किसी को बिल्कुल लास्ट स्टेज पे फीडबैक देते हो तो वो पर्सन उस फीडबैक को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकता, क्योंकि ना टाइम है ना रिसोर्सेज है, डेवलपर्स ऑलरेडी वेट कर रहे हैं। तो कभी भी किसी को फीडबैक देने से पहले ये समझो कि सामने वाले पे कितना टाइम है, वो किस पोजीशन पे है ऑन द टाइमलाइन, और क्या उस पे इनफ रिसोर्सेज है टू पुल ऑफ द फीडबैक दैट यू आर गिविंग। और दूसरा ये, शाम को 7 बजे फीडबैक देना बंद कर दो। जब सारी कॉल्स खत्म हो जाए प्लीज़ कभी भी आखिरी कॉल पे डिटेल फीडबैक मत दिया करो। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जब भी फीडबैक कॉल्स रखता हूँ मैं हमेशा सुबह रखता हूँ, राइट, क्योंकि जब शाम हो जाती है, जब 6-7 बज जाते हैं, जब सबके घर जाने का टाइम हो जाता है, जब आप किसी को उस टाइम क्रिटिसाइज करो या उस टाइम उनकी गलतियाँ बताओ, उनका ब्रेन ही बंद हो जाता है, वो समझ ही नहीं पाते। ऑफकोर्स कुछ ऐसे सीनियर्स होंगे जो समझ पाते, बट आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल पीपल, राइट। So if you want to give someone feedback, make sure that you give it in the morning, in the daytime, right, where they have a fresh mind. अगर आप किसी से बात कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि ये person थोड़ा थका हुआ है या वो उस हेड स्पेस में नहीं है, या you know, you just get to know, you get to know the vibe of that opposite person. अगर आपको लगता है कि ये person feedback लेने के लिए अभी ready नहीं है, simply बोलो कल बात कर लेंगे, it's okay. राइट, अनटिल अनलेस इट्स एब्सोल्युटली अर्जेंट। अगर बहुत ही कंसाइज टाइमलाइन है तो आप उस टाइम फीडबैक दे सकते हो, बट मैंने पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से यही सीखा है कि सुबह फीडबैक दो, दिन की शुरुआत में फीडबैक दो, दे आर ऑलवेज इन देयर ओपन हेड स्पेस। एंड दूसरा, ये टाइमलाइंस को माइंड में रखते हुए फीडबैक दो, ऐसे नहीं कि बिल्कुल साइकिल की एंड में आपने इतना फीडबैक दे दिया जो इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जा सकता, फिर एक्चुअली सामने वाले पर्सन को और दुखी होता है कि यार टाइम भी नहीं है और इन्होंने इतनी सारी गलतियाँ भी बता दी है, अब मैं ये सारी गलतियाँ ठीक भी नहीं कर सकता, तो आई एम जस्ट अ टेरेबल डिज़ाइनर। मैं ये खुद सीख रहा हूँ, मैंने भी ये सब चीज़ें इसी साल सीखी है, अपने सीनियर से सीखी है, अपने मैनेजर से सीखी है, तो मैं सोचा मैं आप लोगों को भी ये सब चीज़ें सिखा दूँ। एक बड़ी इंटरेस्टिंग टिप है जो मैंने वॉरेन बफे सर से सीखी, और वो ये बोलते हैं कि प्रेज स्पेसिफिकली एंड क्रिटिसाइज जनरली, प्रेज स्पेसिफिकली एंड क्रिटिसाइज जनरली। इसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी को क्रिटिसाइज करना है तो उनकी अप्रोच को क्रिटिसाइज करो एंड नॉट द पर्सन। अगर किसी ने गलत बटन्स बना दिए, गलत स्क्रीन्स बना दी, तो ये मत बोलो कि तुमने गलत बनाया, बोलो कि जो तुमने अप्रोच फॉलो करी है वो एक्चुअली में गलत है, ऐसे बटन्स नहीं बनाने हैं, या ऐसे ड्रॉप डाउन्स नहीं बनाने, या ऐसे कंपोनेंट्स को डिक्लेयर नहीं करना है। बट अगर आपको किसी की तारीफ करनी हो, तारीफ स्पेसिफिकली करो, उसमें कोई नुकसान नहीं है। किसी की भी जब आप तारीफ करते हो उस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है, तो बोलो कि यार इस पर्सन ने कितना बढ़िया प्रोटोटाइप बनाया। ये मत बोलो कि इस पर्सन ने जो अप्रोच ली थी वो बहुत बढ़िया थी, अप्रोच बेस्ट है, राइट, बिकॉज इफ यू कैन यूज इट इन योर फेवर, व्हाई नॉट जस्ट यूज इट इन योर फेवर। तारीफ करनी हो तो स्पेसिफिकली पर्सन की करो, बुराई करनी हो, गलतियां निकालनी हो तो उस अप्रोच की निकालो। ट्रस्ट मी, यू विल हैव अ वेरी पीसफुल लाइफ, एवरीवन विल लव यू ड्यूरिंग योर फीडबैक सेशंस। तो यस, आज का ज्ञान यही खत्म होता है। अगर आप पहली बार आए हो, आई वुड रेकमेंड कि आप इस कोर्स की पहली पुरानी वीडियोस भी देख लो, राइट, ये 14th एपिसोड है, इससे पहले 13 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो गई है। ये पूरा कोर्स हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, एंड मेक श्योर आप अपना रिव्यू कॉमेंट जरूर करना, क्योंकि जब भी आप कॉमेंट करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है। एंड दिस वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग हैपनिंग, जितने भी लोगों ने इस कोर्स से बेनिफिट करा है, हम उनके वीडियो टेस्टिमोनियल्स ले रहे हैं, एंड मैं अपने सोशल मीडिया पे उनको डाल रहा हूँ, मैं एक प्रोमो वीडियो बना रहा हूँ, वहाँ पे भी जो बेस्ट टेस्टिमोनियल्स होंगे वो इंक्लूड होंगे। तो अगर आपको हमारी प्रमोशनल सीरीज का पार्ट होना है, प्लीज सेंड मी एन ईमेल ऑन anshmehra2498@gmail.com। आप मुझे ईमेल करिए एंड मेरी टीम आपको रीच आउट करेगी, एंड आई वुड लव कि आप लोग हमारे इस प्रमोशनल सीरीज का पार्ट हो। वी आर कलेक्टिंग वीडियो टेस्टिमोनियल्स, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे ऑन anshmehra.work तो आपको वहाँ पे बाकी लोगों के वीडियो टेस्टिमोनियल्स भी दिखेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आई होप आप सब अपना ध्यान रख रहे हो, प्लीज़ मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंट रहो, हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करो। एंड या कोर्स ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, अब सिर्फ एक वीडियो रहती है, 15th एपिसोड, उसके बाद आई होप आपने इस सीरीज से कुछ अच्छा ही सीखा हो। सो ऑलराइट गाइस, अपना ध्यान रखना, एंड दिस इज अंश मेहरा साइनिंग आउट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं रेगुलरली UX डिजाइन, मार्केटिंग और स्टोरी टेलिंग पे वीडियोस बनाता हूँ।